हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ बास्केटबॉल के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, अन्य बहुत सारे गेमों के हिस्ट्री के बारे में मैं बता चुकी हूँ, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। एंड दोस्तों, आगे एल्टीग्रेड एंड 27,000 भर्ती आपके UPTGT के आने वाला है, इसलिए उन सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। तो आप बस कंटिन्यू बने रहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं बास्केटबॉल के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, बास्केटबॉल का जन्म अमेरिका में हुआ था और डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, जो कनाडा के थे, उनके द्वारा किया गया था स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने किया था, कनाडा के थे, और किस कॉलेज में? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में बास्केटबॉल का अमेरिका में जन्म हुआ था। दोस्तों, शुरुआत में जब बास्केटबॉल खेला जाता था तो डक ऑन ए रॉक नाम से खेला जाता था। किस नाम से? डक ऑन ए रॉक नाम से खेला जाता था। और यह खेल भारत में, यानी भारत में इस खेल को लाने का श्रेय YMCA को जाता है। यानी YMCA जब नाम आ गया तो भारत में बास्केटबॉल लाने का श्रेय YMCA को ही जाता है, एंड वॉलीबॉल को लाने का श्रेय YMCA को ही जाता है। तो बास्केटबॉल भारत में किसने लाया? तो YMCA ने लाया। दोस्तों, YMCA, जैसा कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जैसा कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का स्थापना जो है सबसे पहले 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में किया था, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। लेकिन भारत में YMCA का स्थापना, यानी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में हैरी क्रोबर्ग द्वारा किया गया, मद्रास में किया गया। हैरी क्रोबर्ग जो हमारे सारी शिक्षा के पितामह, भारतीय सारी शिक्षा के पितामह भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में बास्केटबॉल को लाने का श्रेय जो है वो YMCA को जाता है। YMCA जो है भारत का पहला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय था। तो उसके बाद अब जानते हैं कि विश्व की प्रथम प्रतियोगिता बास्केटबॉल की कब हुआ। तो 20 जनवरी 1892 में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता, यानी पहली बार बास्केटबॉल खेला गया, यानी बास्केटबॉल की पहली प्रतियोगिता हुआ 1892 में। कैनेडा में इसका जन्म हुआ था। 92 में पहली प्रतियोगिता हुआ अमेरिका के ही स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में, मैसाचुसेट्स, USA में। और तभी इसी पहली प्रतियोगिता में ही स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के विद्यार्थियों ने, यानी जेम्स स्मिथ के विद्यार्थियों ने इसका नाम बास्केटबॉल रखा। नहीं तो इससे पहले किस नाम से खेला जाता था? डक ऑन ए रॉक के नाम से। एंड ये तो हुआ विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1892 में। उसके बाद विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1892 के बाद से 1893 से YMCA ने इसका विस्तार समस्त विश्व के अन्य देशों में किया। फिर नेक्स्ट है भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई, यानी भारत में बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई? तो 1934 में न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और 1896 में प्रथम बार बास्केटबॉल के इंटर कॉलेज मैच खेले गए विश्व लेवल पर। 1896 में प्रथम बार बास्केटबॉल के इंटर कॉलेज में मैच खेले गए। अब भारत की प्रथम प्रतियोगिता इस प्रकार हम समझे, विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1892 में, और भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1934 में न्यू दिल्ली में। एंड अब बात करेंगे विश्व बास्केटबॉल संघ फीबा, FIBA, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1932 अमेरिका में ही हुआ। तो अमेरिका इसमें विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, सब कुछ अमेरिका में ही हुआ है। तो विश्व बास्केटबॉल संघ फीबा, ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल की स्थापना 1932 में अमेरिका में हुआ। मुख्यालय मीस स्विट्जरलैंड है। एंड भारतीय बास्केटबॉल संघ BFI,
बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुआ। विश्व बास्केटबॉल संघ 1932 में अमेरिका में, और भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना यानी BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुआ। BFI यानी भारतीय बास्केटबॉल संघ के द्वारा बालकों के लिए प्रतियोगिताएं शुरू किया गया 1955 हैदराबाद में। ठीक है, 1955 हैदराबाद में भारतीय बास्केटबॉल संघ के द्वारा बालकों के लिए प्रतियोगिताएं शुरू किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, बास्केटबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ पुरुषों का 1936 बर्लिन जर्मनी में, एंड महिलाओं का 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में। एंड दोस्तों, 1924 पेरिस फ्रांस, 1928 एमस्टरडम, 1932 लॉस एंजल्स में प्रदर्शन मैच के रूप में बास्केटबॉल खेला गया था। एंड एशियाई खेलों में शामिल कब हुआ? पुरुषों का 1951 नई दिल्ली में, और महिलाओं का 1974 तेहरान ईरान में। नेक्स्ट है AVF, एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1954 में हुआ। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ABC यानी एशियन बास्केटबॉल कंपटीशन। ये बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं। ABC एशियन बास्केटबॉल कंपटीशन की शुरुआत 1960 में हुई थी। यह क्यों हुई थी शुरुआत? तो ये बास्केटबॉल खेल के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए एशियाई देशों में यह ABC एशियन बास्केटबॉल कंपटीशन 1960 में शुरू किया गया। तब से इस प्रतियोगिता में देशों की संख्या में वृद्धि होती चली गई, और भारतीय बास्केटबॉल टीम ने 1965 ईस्वी से नियमित रूप से ABC प्रतियोगिता में भाग लेती आ रही है। तो भारतीय बास्केटबॉल टीम ABC प्रतियोगिता में भाग लेती आ रही है तो 1965 से। 1975 में भारत ने इस प्रतियोगिता में यानी ABC यानी एशियन बास्केटबॉल कंपटीशन में चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद से भारत का इसमें पांचवा स्थान बरकरार है। यानी 1975 में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया था ABC प्रतियोगिता में, उसके बाद जितने भी मैच हुए उसमें पांचवा स्थान उसका बरकरार है। बास्केटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला सरबजीत सिंह को 1961 में। द्रोणाचार्य राजीव गांधी अभी तक किसी को नहीं मिला है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल खिलाड़ी को तकनीकी नाम यानी तकनीकी रूप से बास्केटबॉल के खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 1950 अर्जेंटीना में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने USA को हराया था। एंड नेक्स्ट फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में स्पेन में हुआ था, USA जीता था। 2019 में चीन में हुआ था। एंड नेक्स्ट वाला 2023 में होगा, 25 अगस्त से 10 सितंबर तक। एंड कुछ राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पुरुष में विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी एंड महिलाओं में प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी प्रमुख है। इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई बास्केटबॉल के लिए 7 मीटर होती है। तो यह इंडोर भी खेला जाता है और आउटडोर भी खेला जाता है। तो इंडोर के लिए छत की ऊंचाई इसकी 7 मीटर होती है। इंडोर खेल में आपका वॉलीबॉल भी होता है, बास्केटबॉल हो गया एंड बैडमिंटन हो गया। वॉलीबॉल के इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई कितनी होती है? 12.5 मीटर। एंड वॉलीबॉल बैडमिंटन की छत की ऊंचाई 9 मीटर, बास्केटबॉल की छत की ऊंचाई 7 मीटर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये था बास्केटबॉल के हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुंच सके, ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।